मेरी बड़ी दादी है ये लोगो। का यार अब बढ़िया लग रहे हैं दादी जी आप। चलो नीचे चलो मेरे मेहमान यहाँ। कल परसों आएंगी मैं। तो दोस्तों यहाँ से होता है कान्हा विलेज स्टार्ट, जहाँ हमारा बचपन बीता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से घर स्टार्ट हो चुके हैं गांव के, पर कच्चा है, बहुत ज्यादा हिल रहा है। यहाँ देखो गुन्नू घास खा रहा है। क्या ना, अरे रात को सो ना ठीक टाइम पर, और 9 बजे सो जाओ, 6 बजे उठो। अंडर कवर अंडर एजेंट कवर एजेंट है। सो हे गाइस, दिस इज संजीव चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी हमारी मॉर्निंग हो रही है सुबह के कितने बजे? 1 बज गया दिन के 1 बजे मैं सोकर उठ रहा हूँ। मैं रात को लेट सोया था क्योंकि मैं पिछले कल ब्लॉग एडिट कर रहा था, एक उसको एडिट करते करते रात हो गई, तो मैं लेट सोकर उठा। मैंने अभी तक ना ब्रेकफास्ट किया है ना मैंने लंच किया है। अभी ऐसा है कि हमें जाना है क्या मम्मी जी? बगीचे को, हाँ बगीचा देख के आ जाओ, छुट्टियाँ हैं, काम करो घर, कटिंग कुटिंग करनी पड़ती है, अब गड्ढे बनाने पड़ते हैं उनके, तब जाओ देख के आ जाओ। मेंटेनेंस करने को बोल रहे हैं सेब के बगीचों की। दिया मैंने तेरे को लोअर? नहीं दिया, ले लिया आपने वो? बढ़िया लग रहा है ओए। कौन सी गाइस, मैं काम बहुत ज्यादा करता हूँ तब मैं गंदा लगता हूँ। ये चाहिए तेरे को? हाँ दे दो कोई भी। तो दोस्तों ऐसा है कि हमारे जो बगीचे हैं वो गांव की साइड को है, तो हम जाएंगे आज गांव की साइड को। सेब के बागान है वहाँ बहुत बड़े बड़े, और भी बहुत सारे पेड़ है वहाँ, सेब के हो गए, नाशपाती के हो गए, तो ऐसे ऐसे पेड़ बहुत सारे हैं। तो चलेंगे खेत देखेंगे अपना, और आपको भी दिखाऊंगा अगर बना मूड तो कान्हा विलेज भी जाएंगे शाम को। गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? गुड आफ्टरनून। 1 बज गया है ना अभी, गुड मॉर्निंग बोल रहा। अब तो मतलब 2-4 दिन के लिए ताने मिलेंगे मेरे को कि 1 बजे उठता है सो के, तो ये भी दिक्कत है। पर दोस्तों मैं करूँ क्या, रात को मतलब एडिटिंग करनी पड़ती है ब्लॉग की, और बहुत रात हो जाती है उसमें, सोता ही लेट हूँ। बहाने नहीं मार रहा हो, सच बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने थोड़ी किया है, तो मैंने किया है, तूने किया है। फिर कब जाना? पहले तो जा बाहर है, गाड़ी लगी हुई उसमें लकड़ियाँ, वो निकाल स्टोर रूम में रख, तो बाद में सोचेंगे कब जाना है। बेकार में पूछा इसको, इसने काम बता दिया मेरे को। बिजू भाई कहाँ है? तो दोस्तों भाई जी ने जो काम बताया ना, वो काम उसने ये बताया कि ये जो लकड़ियाँ हैं ना सर्दियों में जलाने के काम आएगी, ये लेकर आए हैं कलेक्ट करके जंगल से, तो यहाँ पे रखनी है स्टोर में। अकेला तो मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा। फाइनली हमारे भैया आ चुके हैं, विजय भैया। विजय भैया सारी लकड़ियाँ निकाल देंगे है ना अकेले ही? नहीं मेरी हेल्प की जरूरत होती है तेरे को। तेरी हेल्प का क्या करना, हाथ में होना, तूने फोन पकड़ा हुआ? करता हूँ तेरी हेल्प, आ रहा, रुक जा। ताकत मेरी, हाँ देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, मैंने काम पे लगा के रखा है इसको, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। चलो दोस्तों मैं भी इसकी हेल्प कर लेता हूँ ना, फोन रख देता हूँ थोड़ी देर साइड। साहब जी 700 रुपये दिहाड़ी लेगा? साहब जी खुद काम करने आ रहे हैं। दोस्तों फाइनली कर चुके हैं हम इसको पूरा अनलोड। तो गाइज हमारे बगीचे तक जो रोड जाता है ना, वो बिल्कुल ही मतलब ख़राब रोड है। उस रोड की कंडीशन देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब कितना ख़राब रोड है। तो ऐसे रोड में बाइक चलाएगा बिजू भाई, और मैं उसके साथ पीछे बैठूंगा। दोस्तों यहाँ पे ना ठंड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो भी व्हीकल है ना उनका जो इंजन है वो जाम हो जाता है, तो इसको थोड़ी देर हम स्टार्ट रखेंगे ताकि थोड़ा गर्म हो जाए इसका इंजन। क्या नाम कर, ट्रैक्टर लगा, ठंडा है? ठीक है, नहीं है ठंडा। भाई जी क्यों नहीं आ रहा है यार? तेरे को कैसा लग रहा है कि मैं नहीं आ रहा हूँ तेरे साथ? बहुत दुख हो रहा है। चल इसको बोले ढंग से चलाने के लिए बाइक, ऐसे फुकरापंदी करता है बीच में कभी। नहीं नहीं तुम मत गिर जाना कहीं, अच्छे से चलाना, अच्छे से वापस आना, अच्छे से जाना। ये बिजू भाई जो है दोस्तों कभी कभी चलाता है ना, तो इस पे मेरे को और भाई जी को ज्यादा भरोसा नहीं है। ये दोनों ही चलाते कभी कभी, तो मतलब ना के बराबर ही चलाते हैं, पर उससे सही चलाता हूँ मैं ना। ठीक है तब है ना? ठीक है ठीक है, अच्छे से चलाइयो। चल चल बैठ, अब देखा गुनू कैसे दौड़ता है दोस्तों। ओए वो आ रहा, डर ही लग रही है तेरे साथ। पर डर क्या हो रहा है, इतना वो टाइम हो गया बहुत मार चला के, तो हो रहा है। दोस्तों मैं और बिजू भाई जब भी साथ में होते हैं ना, हमारे साथ एडवेंचर ही एडवेंचर होते रहते हैं, तो लग रहा है मेरे को आज भी कुछ फैंटास्टिक होने वाला है हमारे साथ। लेस, लेस, लेस। बास्केटबॉल की तरह उछाल रहा है मेरे को पीछे। अबे फैसले की घड़ी वाले रोड। या 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 या। वाह अरे तू डर रहा है, मेरे को भी डरा रहा है साथ में, बेकार में। रोड देखो दोस्तों कैसा है, बिल्कुल ही मतलब ऑफ रोड है,
और बड़ी मुश्किल आ रही है यहाँ पे बाइक चलाने में। देखो फोकस देखो भाई का। तो दोस्तों फाइनली किसी तरह बड़ी मुश्किल के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ। यहाँ लगा रहे बाइक। वैसे तो यहाँ से आगे भी जा सकते हैं हम, पर यहाँ से आगे रोड बहुत ज्यादा खराब है तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। दोस्तों रोड इतना खराब हो चुका है, पहले इतना ज्यादा नहीं था, बहुत ही दिक्कत आई मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में। और मैं बोल रहा हूँ जो पहाड़ी राइडर नहीं ना है वो नहीं ऐसे रोड में चला ही सकते बिल्कुल भी। ब्लेम डाल रहा है मेरे ऊपर कि तू हिल रहा था पीछे, इसकी वजह से मेरा खुद का कॉन्फिडेंस ही चला गया था। पानी दे कितना सही है, बहुत ही ज्यादा साफ और ठंडा पानी है, क्योंकि ये जो पानी है ना ऊपर टॉप से आता है, पहाड़ी से ग्लेशियर से आता है। ये ग्लेशियर की जो बर्फ है ना वो पिघलने के बाद ये पानी पहुंचता है यहाँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ठंडा पानी होगा। मैं टच नहीं करूंगा इसको, एक तो पहले से हाथ ठंडे हो गए बाइक में ना, अगर इसको टच करूंगा तो अपनी गर्म ही होंगे। तो दोस्तों हम मम्मी जी पे प्रैंक करने वाले हैं अभी कि हमसे बाइक ठुक गया और लग गई है। हेलो, अरे गिर गए यहाँ, हैंडल बच गया पत्थर में, टूट गया हैंडल भी, लग गई पैर में कसम से। नहीं टूटा रहा, जा रहे पैदल लगा दिया है पार्किंग में बाइक, जा रहे यार बिल्लू की दोगरी से कुत्ते कहीं के। ठीक है ठीक है। दोस्तों घर वालों का जो ये फॉर्मूला है ना, मेरी कसम कर, यहीं पे फंसते हैं हम हर बार। कैसे कैसे रस्ते हैं देखो दोस्तों, यहाँ देखो पुल की हालत क्या है। शुक्र है हमने बाइक पीछे ही लगा दिया, क्योंकि यहाँ का जो रोड है ना, ये देखो जरा रोड की हालत, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। क्यों, पहले तो पुल ही है खराब। देखो दोस्तों लकड़ी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे पुल भी बनाए हुए हैं यहाँ, पर कच्चा है, बहुत ज्यादा हिल रहा है यहाँ देखो। तो मेरे को अभी भी याद है दोस्तों, ये जो नाला है ना जो बिल्कुल सूख चुका है, पहले ये इतना सूखा हुआ नहीं था, पहले यहाँ से काफ़ी प्रेशर में पानी आया करता था, ऊपर से ही आता था वो माउंटेन से, तो ये क्रॉस करना मुश्किल हो जाता था उस टाइम। तब बनाया था गांव वालों ने खुद से लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक छोटा सा पुल, ताकि यहाँ क्रॉस करने में आसानी हो। पर ये पुल बहुत ज़्यादा पुराना है, तो देख सकते हैं अब कच्चा कितना हो गया है। और ये पत्ते पतझड़ ऋतु में जितने भी यहाँ पेड़ है सारे देखो झड़ चुके हैं, अभी स्प्रिंग में इनमें नए पत्ते आएंगे। अब चलो फिर, जो हमारा डॉगी गुन्नू है इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है यहाँ पे, इसको कोई नहीं बोलता कि संजय का डॉगी है, विजय का डॉगी है, अजय का डॉगी है, वो बोले सारे कि गुन्नू आ गया, न्यूली का गुन्नू आ गया। फेमस है गुन्नू यहाँ पे, गुन्नू है फेमस। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारे बगीचे। वहाँ देखिए जो है ना नीचे पेड़ पूड़ दिख रहे हैं ऊपर, यहाँ से ऊपर तक, यहाँ से ऊपर तक, ये जो घर के सामने पेड़ है ना सेब के, यहाँ से ऊपर तक। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे खेतों की तरफ, वहाँ हम आपको दिखाएंगे सेब के बगीचे कैसे रहते हैं। और ये आप देख रहे हो ये टमाटर उगाए हुए हैं यहाँ पे। ये जो टमाटर होते हैं ना, इनकी जो बेल होती है इसमें बिल्कुल भी जान नहीं होती है, खड़े नहीं रह पाते, इसलिए ऐसे खंभे लगाते हैं और ये धागे, ताकि इनकी बेलों को सपोर्ट मिले। टमाटर की अभी हरे हैं टमाटर, देख सकते हैं आप, आएगा थोड़े टाइम में इनका सीज़न। पिछली बार जो टमाटर का रेट गया है ना हिमाचल में, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा गया है, मतलब जो भी लोग जिन्होंने भी टमाटर बीजे हुए थे ना अपने खेत में, करोड़पति बन गए रातों रात, इतना हाई रेट चला होता टमाटर का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही टमाटर के खेत हैं। ये देखो दोस्तों ये होता है सेब का पेड़, और ऐसे ना जाने कितने सारे पेड़ हैं यहाँ, मेरे को लगता है 900,000 तक पेड़ है, इतने लगा चुके हैं यहाँ पे। तो हर साल इन पेड़ों से सेब मिलते हैं हमें, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। हमारे जो खेत हैं इनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है अच्छे से, क्योंकि हम लोग ज़्यादा आ नहीं पा रहे इधर मेंटेनेंस के लिए, पर बीच बीच में आते रहते हैं हम, काम कम होता है जब खेत में तब। बाकी दोस्तों जितने भी आपको पेड़ दिख रहे हैं ना सारे सेब के हैं, ऊपर तक सेब के प्लॉट हैं। खेतों का जो काम है ना बहुत ही मेहनत का काम होता है। मेरे को अभी भी याद है जब हम छोटे छोटे थे बचपन में, मेरी मम्मी हमें कई बार खेत ले आते थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा काम होता था। लंच भी हम टिफिन में पैक करके ले आते थे यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा काम करते थे। मैं तो खैर कितना भी काम करूँ, मेरे को हमेशा घर वालों ने बोला ये काम ही नहीं करता है ना, पर मेरे जो दो भाई हैं बिजू भाई और भाई जी, ये बहुत ज़्यादा काम करते थे। मैं पूरे पूरे दिन खेल रहा होता था खेत में, छोटा था मैं सबसे, तो मैं तो खेल ही रहा होता था, पर मैं देखता था पूरा पूरा दिन मेहनत करो खेत में, दिन के टाइम खाना लंच भी खेत में ही करो, क्योंकि टिफिन में ले आते थे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो शाम को जाते थे हम अपने घर वापस, और शाम को पहुँचते ही 8-9 बजे नींद आ जाती थी, इतना थक जाते थे। और दोस्तों ये जो एरिया देख रहे हो ना आप, ये यहाँ पे प्लान किया है, वहाँ आप देख सकते हैं जेसीबी से खोदा हुआ है, वो प्लान किया था ये पूरा एरिया। यहाँ पापा घर बनाने वाले थे एक, पर उसके बाद यहाँ पे नाला आ गया था पानी का,
फिर वो प्लान हमें ड्रॉप करना पड़ा। यहाँ पे जो है फाउंडेशन कच्ची रह रही थी क्योंकि पानी आ रहा था ना पीछे से, यहाँ आप देख सकते हैं वो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यहीं से आ रहा है ये पानी, तो इसकी वजह से फाउंडेशन वीक हो रही थी यहाँ पे घर की, तो वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। पर यहाँ से टॉप तक हमारे खेत हैं, तो हमारा प्लान यही है कि आने वाले टाइम में यहीं पे कहीं पे अपना घर बनाएंगे बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल शांति है, देख सकते हो आप व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो करेंगे ऐसा भाई जी की शादी के बाद, है ना। यहाँ पे क्या नाम नाशपति के पेड़ भी है हमारे बहुत सारे ना। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं टॉप पे, तो यहाँ से हमारे खेत स्टार्ट होते हैं और नीचे तक बॉटम तक जाते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे भी टॉप से लेकर यहाँ तक जहाँ ये घर है वहाँ तक हमारे खेत हैं। तो ज़मीन बहुत ज़्यादा है पर मेंटेन करने वाले नहीं है यहाँ, क्योंकि ये बिजू भाई मेहनत नहीं करता बिल्कुल भी, मेरी ड्यूटी है। तो अब चलते हैं हम गांव कान्हा विलेज। कान्हा विलेज में हमारे एक देवता हैं शांगड़ी, अभी उनके पास जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए कान्हा विलेज, तो हमारा बचपन उसी विलेज में बीता है, तो चलो। हमारा कुत्ता शाकाहारी भी है। बुनू घास क्यों खा रहा है वो? घर में खाना नहीं देते तेरे को? घर में खाना नहीं मिल रहा है, मज़ा आ रहा है इसको कि क्या? नहीं, ये लगा एक्टिंग करने वीडियो के लिए। अच्छा, स्क्रिप्टेड गाइस, स्क्रिप्टेड। ये जो है गोबर है गाय का, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, इसलिए खेतों में अच्छी फसल के लिए और जल्दी फसल उग जाए इसलिए ये गोबर जो है यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र। फिर सिंथेटिकली इन्हीं गोबर को यूज़ करके जो खाद हम जानते हैं वो बनाई जाती है, पर वो केमिकली बनाई जाती है तो वो फसल को हार्म भी करती है, इसलिए गोबर ही ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि गाय उनकी खुद के पास होती है तो इससे उनका खाद का भी खर्चा बच जाता है और फसल भी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से होता है कान्हा विलेज स्टार्ट, जहाँ हमारा बचपन बीता है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से घर स्टार्ट हो चुके हैं गांव के। गांव में जिस भी घर में उनके पालतू जानवर होते हैं ना, जिसने भी रखे होते हैं गाय या बैल, तो उनके लिए सर्दियों के लिए जो है पूरा स्टॉक रखा होता है घास का जानवरों को खिलाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है खेतों में घास खत्म हो जाता है, तो ये वही घास है जो स्टॉक करके रखा है पूरे सर्दियों के महीनों में अपने जानवरों को खिलाने के लिए, गाय बैल बकरी। और ये जो मशीन है ना, इस मशीन में जो घास है वो आगे से डाला जाता है, ये घास पतला कर देता है जो कि जानवरों के खाने के लिए ठीक रहता है, सेफ भी रहता है। तो चलिए अब करते हैं गांव में एंटर। ये जो पूरा घर है ये बहुत ज़्यादा पुराना घर है और यहाँ पे भी वैसे ही जो है घास रखा हुआ है स्टॉक करके सर्दियों के लिए जानवरों को। जो गाँव में जो गौशाला होती है ना, वहाँ पर हमारे देवता जी को रखा जाता है गौशाला में, क्योंकि उनको जानवरों के पास रहना पसंद है, जैसे गाय हो गया। तो यहाँ पे जाना है हमने देवता के दर्शन करने के लिए अभी। गुनू गुनू, तो शूज़ जो है यहाँ पे निकाल देने चाहिए बाहर। मैं अपने देवता जी को ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगा पब्लिकली, क्योंकि उसका रीज़न मैं पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ, अगर आपको जानना है तो पिछला ब्लॉग देख लेना। तो अभी मैं दर्शन करके बाहर आता हूँ। प्रभु का आशीर्वाद लेके आ चुके हैं हम, अब हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ एक नल है बिल्कुल सेंटर में गांव के, पानी पीते हैं, प्यास लग रही है बहुत, हमने पानी नहीं पिया तब से जब से हमने चलना शुरू किया है। इस नल का क्या सीन है भाई, ये तो अच्छा चलता है, इतना ही पानी निकलता है शायद इसे पी ले। दोस्तों ये है कान्हा विलेज। तो दोस्तों वो वाला जो आपको घर दिख रहा है ना, हम वहाँ पे रहा करते थे छोटे में, हमारा ही घर है वो, बिजू भाई और भाई जी जो है ये तो काफ़ी टाइम रहे वहाँ, मैं थोड़ा टाइम ही रहा, मेरा थोड़ा सा बचपन बीता है इस घर पे, फिर हम हो गए थे शिफ्ट न्यूली की तरफ, पर इन्होंने काफ़ी टाइम बिताया यहाँ। तो ये जो आप देख रहे हैं धुआं निकल रहा है घरों की छतों से, ये अंदर जले हुए तंदूर, उनमें आग जला के लोग सेकते हैं, और ये रखी होती हैं उनमें आग जलाने के लिए लकड़ियाँ। दोस्तों आपको याद ही होगा अगर आपने प्रीवियस ब्लॉग देखा है, तो जो मेरी दादी है उन्होंने क्या कहा था एक बार ब्लॉग में, आठ बीघे मारे को आठ बीघे इनको, दो लाड़ी है ना, मैंने नहीं बोला दो लाड़ी है मेरे दादी, वो बताने वाला हूँ मैं आज। तो मेरे जो दादा है ना दोस्तों, तो मेरे जो दादा है उनकी दो वाइफ है। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरे दादा ने दो शादियां की है, बहुत से कमेंट्स मेरे को ऐसे आ रहे थे कि अपनी दूसरी दादी से भी मिलाओ, तो शायद अगर घर पे होंगे अपने दूसरी दादी मेरी बड़ी दादी तब आपको मिलाऊंगा उनसे। तो अभी हम दादा से मिलने जाते हैं, आजकल जो मेरी दूसरी दादी है मेरी बड़ी दादी उनके घर आए हैं वो। तो ये मेरी बड़ी दादी का घर है, दादाजी की पहली अर्धांगिनी जिसको आप कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एंटर करते हैं ज़रा बड़ी दादी के घर में। दादाजी आपे सोए हो क्या? आप क्या करे दिन दिहाड़े सोए हो? पैर कहाँ है आपके, चरण कहाँ है आपके?
आशीर्वाद। और बताओ ठीक है आप, तबीयत ठीक है आपकी? सब बढ़िया। तीतरी में जो दोस्तों छोटी दादी है ना, वहाँ पे दादाजी इतने कपड़े नहीं पहनते क्योंकि वहाँ पे धूप आती है, यहाँ पे धूप नहीं है। हाँ यहाँ है ठंडा दादा। तो कब आए आप यहाँ फिर? तीतरी कब जाना? तो अभी जो है बड़ी दादी वगैरह गए हैं कहीं बाहर काम करने और दादाजी घर पे अकेले हैं यहाँ। दादाजी की जो पहली वाइफ है हमारी बड़ी दादी, उनका घर ये है। छोटी दादी का घर भी बिल्कुल सामने दिखता है यहाँ से। जब भी जो भाई यहाँ बैठ गया? नहीं नहीं यहाँ हूँ मैं बैठा हूँ, ठीक है। यहाँ से तो बड़ा मस्त व्यू दिखता है दादाजी। एक दो हफ्ते में जाना वापिस। कितने का है? अभी रहे 6 महीने का रहा और कोर्स मेरा लास्ट जून तक, जून में खत्म हो जाएगा। क्या डॉक्टरेट करनी मैंने फार्म डी। दादाजी इसको समझाओ कुछ। ये उठ रहा है दिन के 2-2 बजे, 1-1 बजे सो के चुप रह रहा है। सब क्या बताऊं आज? तो जल्दी उठता हूं तभी। देखो सुबह 6 बजे उठा करो, सुनिए 6 बजे हमेशा 6 बजे उठनी थी। क्या ना, अरे रात को सो ना ठीक टाइम पर, 8-9 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठो। क्या पड़ती गंदी गंदी आते थे यहाँ, क्या पूरे दिन धूप ही नहीं आती इस साइड? कहाँ ये सारी धूप वो वाले पहाड़ ले जा रहे हैं, इस साइड कोई धूप ही नहीं आ रही है यहाँ से। अब देखो पूरे मतलब धूप ही नहीं है कहीं। तो सर्दियों में ही होता है वैसे तो ऐसा, गर्मियों में तो रहती है यहाँ शाम तक। मेरे को लड़की ढूंढो पहले, फिर कर लूंगा मैं भी शादी। कर लेंगे शादी, पहले भाई जी की शादी हो फिर बिजू भाई की। मेरा तो लास्ट में नंबर आएगा शादी में, मैं तो सबसे छोटा हूँ ना। मैंने करनी है आपकी तरह 2-2 3-3 शादी। दादा का पोता जीवन करती है, पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट है, घर जमीन है, सब कुछ है, गाड़ी मोटर है, तो मैं जरूर चलो दादाजी निकलते हैं अब हम। नहीं ठीक है निकलते हैं अब, है ना? ठीक है। तो लेट हो गए बहुत ज़्यादा दोस्तों, अब शाम भी होने वाली है। बड़ी दादी की गाय आ गई, मारती तो नहीं है तू? गाँव के पशु संजू को पसंद नहीं करते हैं। ओए दादी जी की जो गाय है ना तीतरी में, देखी कैसे पसंद करती है। बछड़ा बच्ची है छोटी, देखे गुनू। ओए गुनू पीछे हो, अच्छा यहाँ देखो इसको बोला, इस शरारती को भगा रहा है इनको। फिर दोस्तों ऐसा हुआ जैसे ही दादा के घर से हम निकले ना, 3-4 घरों में जाना पड़ा हमारे को, हर जगह चाय पीनी पड़ी क्योंकि गांव में ना दोस्तों रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो फिर हमें हर घर में जाना पड़ा, हर घर में चाय पीनी पड़ी। गला पूरा मीठा हो चुका है, जीभ मीठी हो चुकी है। तो अगर अब चाय नहीं पीते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं कि भाई हमारे घर में कुछ चाय नहीं पिया, ऐसा नहीं किया। तो फिर मिले हम सबसे गाँव में, तो इतना मैं शूट नहीं किया क्योंकि इतना सबके साथ वो कंफर्ट जोन नहीं होता है ना मेरा, थोड़ा शाय फील करता हूँ मैं। ओहो दादी जी, दादी जी बड़े टाइम बाद आपके दर्शन हुए। नमस्ते। नमस्ते। वो दादा ठीक है? और कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आ जा तू भी मिल दादी जी से। वो ठीक है, बड़े हैं। बढ़िया बढ़िया। आओ दशवान गड़े आ गए ना, माथे टेक दे, हाय करो लोग। अरे बढ़िया लग रहा है दादी जी, आप मेरी बड़ी दादी हैं दोस्तों। और सब बढ़िया है दादी जी? सब खैरियत? अट्टे कट्टे आजकल। अंकल जी कहाँ हैं? के उससे बूना फटा ना था। अच्छा बाकी सब ठीक है ना? सब चलो नीचे चलो मेरे मेहमान यहाँ। तो कल परसों आएंगी मैं पक्का ना, है ना? ऐसे ही बोलते हैं आप, जरूर आएंगे। ठीक है तब मिलते हैं, बाय बाय। ठीक से भाई, ठीक है। थकी चाय झूठी झूठी, हर घर में जाके चाय पी रहे हैं हम खाने में, गला हो गया पूरा मीठा। नमस्ते नमस्ते। ओह हाँ भीमसेन आ गया, ग्वाला गाय गोचर आगे आ गया। ओह ये क्या कलर लगाया इनको, हैं पहचानने के लगाए? नमस्ते जी,
कैसे हैं आप? बढ़िया जी। और भाऊ क्या हाल है? ठीक है तू? हैं? यहाँ देखो अंडरकवर एजेंट है। अंडरकवर एजेंट। नमस्ते नमस्ते। देखो दोस्तों, किस्मत बहुत सही है आप लोगों की भी। जो लोग कमेंट कर रहे थे कि दूसरी दादी भी दिखाओ, तो दूसरी दादी भी मिल गए हमारे को। हमारी बड़ी दादी भी रास्ते में ही गांव से निकलते हुए। तो चलो अब हो गया, अब मैं सबसे मिल चुका हूँ, अब मैं अच्छे से जा सकता हूँ अपने कॉलेज भी वापस पढ़ाई करने। फाइनली पहुँच गए मेरे तो माँ कसम टांगे कहाँ पर ही है, चलने से बहुत ज़्यादा थक गया मैं। चल चल के लेट्स गो। तो दोस्तों, गांव से घर वापस आते ही मैं सो गया था। मेरे को बहुत ही मतलब गहरी नींद आ गई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया था। तो अभी मैं उठ रहा हूँ और मैं अभी ब्लॉग एडिट करने बैठ रहा हूँ ये वाला। तो ब्लॉग आपको कैसा लगा वो कमेंट में मेरे को जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।